कभी किसी को खाना खिलाकर तो देखिए, इंसानियत का फर्ज निभाकर तो देखिए। ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है लखनऊ के विशाल सिंह पर, जो पिछले 12 वर्षों से अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशुल्क भोजन कराते हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण भूखे पेट न सोए। 39 वर्षीय विशाल सिंह बताते हैं, जब मेरे पिता बीमार थे उस दौरान दवाई व इलाज के खर्चों के कारण मुझे कई दिनों तक अस्पताल में भूखे रहना पड़ा और रैन बसेरे की शरण लेनी पड़ी। उस दौरान मैंने कई विवश लोगों को नजदीक से देखा, उनकी पीड़ा को अनुभव किया, जिसके बाद मैं लखनऊ वापस आकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों की देखभाल करने वाले परिजनों को निशुल्क चाय देने का कार्य करने लगा। लोगों को जब मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो वे भी पैसे और राशन से मेरी सहायता करने लगे। सबकी सहायता के कारण आज हम 1000 से अधिक लोगों को प्रतिदिन निशुल्क भोजन कराते हैं। खाने में हर रोज दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, सलाद आदि शामिल होते हैं। विशाल बताते हैं कि उनकी कोशिश है कि लखनऊ के सभी अस्पतालों में ये सेवा शुरू हो, ताकि प्रतिदिन 2500 लोगों को निशुल्क भोजन कराया जा सके। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ ही सनातन संस्कृति को चरितार्थ करते विशाल सिंह द्वारा की जा रही यह मानव सेवा अनुकरणीय है, वंदनीय है। देश के अनेक नगरों में युवा सनातन धर्म की सेवा प्रधान परंपराओं को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। यह भारत के नवजागरण का संकेत है।